एक परिवार जो जेल में होना चाहिए और दूसरा जो दुनिया में सबसे बड़ा होने की विशेषता रखता है। आज इस लिस्ट में हम 6 सबसे आजीव परिवारों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आप अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल कर लीजिए। मैं डॉक्टर मेंटे हूँ और बिना किसी देरी के आगे की हलचल शुरू करते हैं। नंबर 6, तो मिलते हैं कोल्ड परिवार से, जिसे कोल्ड कबीले के रूप में भी जाना जाता है। ये एक ऑस्ट्रेलियाई परिवार है जिसे 2015 में जंगल में एक छोटी लड़की के गर्भवती होने के बाद खोजा गया था। और ये अफवाह थी कि जिस बच्ची को वो अपनी गर्भ में उम्मीद कर रही थी वो उसका बड़ा भाई का था। इस बात की खबर जब पुलिस अधिकारियों को लगी तो उन्होंने जांच शुरू कर दी और जल्द ही दादा दादी से लेकर माता पिता, बेटे बेटियां, चाची चाचा, भतीजी भतीजे, भाई और बहनों का लगभग 40 सदस्यों का एक कबीला उन्हें मिला, जो सभी एक ही खून के थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आखिर उन सब का ब्लड ग्रुप एक जैसा कैसे हो सकता है? हाँ, वो परिवार है, लेकिन उन कपल्स का भी ब्लड ग्रुप एक जैसा होना असंभव है। जब तक कि बिल्कुल ये परिवार एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था, बिल्कुल टर्गरियंस की तरह। जाहिर तौर पर ये कबीला तब शुरू हुआ जब दो भाई ऑस्ट्रेलिया चले गए और उनका दूसरे लोगों का साथ पाना मुश्किल होने के कारण उन्होंने बुरी चीजों से भरा एक रिश्ता शुरू किया, जो निश्चित रूप से अगली पीढ़ी के लिए अच्छा नहीं था। ये 4 पीढ़ियों तक चलता रहा। पूरा परिवार भयानक परिस्थितियों में रहता था। घर टीन की छत में बना था जिसमें पानी की आपूर्ति या बिजली नहीं थी। कई सदस्य विकृतियों और यहाँ तक कि मानसिक समस्याओं से पीड़ित थे। हालांकि नियम केवल शादी करने और उनके बीच बच्चे पैदा करने का था। देखे नंबर 5। ठीक है, मैं आपको एक अप्रकाशित कहानी सुनाता हूँ। ये पता चला है कि कई साल पहले 30 साल के ऑस्ट्रेलियाई जॉन डीप्स ने अपने परिवार को छोड़ दिया था जब उनकी बेटी जेनी सिर्फ 1 साल की थी, जिस कारण ये लड़की बिना पिता के और ये जाने बिना बरी हुई कि आखिर किसने उसे इस दुनिया में लाने में योगदान दिया था। लंबे समय तक उन्हें इसके लिए भुगतना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की बदौलत कई चीजें करना सीखा जिन्होंने उनके जीवन में माता और पिता दोनों की भूमिकाएं निभाई। जब जेनी 37 वर्ष की थी तब वो एक 61 साल के व्यक्ति से मिली, जिसके बाद दोनों को आपस में प्यार हो गया और एक साथ जीवन शुरू करने का फैसला किया। एक ऐसा जीवन जो काफी अजीब हो जाएगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनके बीच खून का रिश्ता है। जैसा कि ये पता चला है, जेनी को जिस आदमी से प्यार हो गया था वो कोई और नहीं है बल्कि उसके पिता जॉन डीप्स थे। खैर, ये दोनों ये दावा करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने इस रिश्ते को जारी रखने का फैसला किया है। जहाँ इस 61 साल के व्यक्ति के पहले से ही 2 बेटे और 1 बेटी है। आज इनके पास नैतिक और कानूनी आरोपों के बावजूद 8 साल का अनोखा रिश्ते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जिसके चलते इन दोनों के बीच आज भी रिश्ता बरकरार है, इसके बावजूद कि उस आदमी ने बचपन में उन्हें छोड़ दिया था। नंबर 4, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक अश्वेत परिवार में केवल गोरे बच्चे होते हैं तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? नहीं, मुझे यकीन है कि आप बच्चे के पिता को पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, है ना? खैर, उन्होंने ऐसा ही किया और आश्चर्य की बात यह है सभी बच्चे उन्हीं के निकले। मैं आपके सामने एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला जिसने अपनी बेटी को पहली बार देखा और सोचा कि ये एक गलती थी। उसका कारण उसके बच्चे की सफेद त्वचा, सुनहरी बाल और नीली आंखें होना था। हालांकि डॉक्टर ने उन्हें बताया उनके बेटी को एल्विनिज्म है, जो एक दुर्लभ अनुवंशिक स्थिति है जो दुनिया में 17,000 लोगों में से केवल 1 को प्रभावित करता है। उसके बाद उसके 2 और पैदा हुए और वो भी गोरे बच्चे। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? एंड्रेट के सिर्फ 3 बच्चे नहीं हैं, उसे कुल मिलाकर 6 बच्चे हैं, क्योंकि वो 3 गोरे और 3 काले बच्चे चाहती थी। आपको इस मामले पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये मामला काफी दुर्लभ है। यहाँ तक कि पेनबुको विश्वविद्यालय में ब्लडी बाल्विनो ने बताया कि ये एक बहुत ही दुर्लभ मामला है। ये देखते हुए कि माता पिता और 3 अन्य बच्चे काले हैं और ऐसा होने के लिए माता पिता दोनों में एल्विनिज्म जीन का होना आवश्यक होता है। इसी कारण 4 में से 1 मौके में पैदा होने वाले बच्चे का अल्बिनो होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन ये सब असंभव सा लगता है। इस मामले में ये सच है। नंबर 3, उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य मिजोरम में बर्मा और बांग्लादेश की सीमा से लगे पहाड़ी गांव
भक्त बांग तलंगनुम में एक बहुत ही आजीबो गरीब मामले के कारण वह टूरिस्ट को सैकड़ों की संख्या में आकर्षित किया है, जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है, जिसमें 39 पत्नियां, 94 बेटे, 14 बहुएं और 33 पोते पोतियां हैं। आपको ये सुनकर काफी आश्चर्य हो रहा होगा। परिवार का मुखिया 73 साल का जियोना चान, चाना पावल नामक एक ईसाई समुदाय का नेता भी है, जो बहुविवाह की अनुमति देता है। ये समुदाय जून 1942 में उनके पिता द्वारा बनाया गया 400 परिवारों से बना है। इस संप्रदाय का मानना है ये मसीहा की मदद से दुनिया पर राज करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा परिवार एक छत के नीचे 4 मंजिला 100 कमरे वाले घर में रहता है, जिसे चुआंथर रन कहा जाता है। विशाल बारे में एक मनोरंजन क्षेत्र और बराईगिरी कार्यशालाओं के साथ एक स्टेडियम है, साथ ही शुअर और चिकन फार्म और आपूर्ति करने में सक्षम एक बाग है। साथ में संप्रदाय के सदस्यों से दान की सहायता से कबीले की जरूरतें, जो औसतन 30 मुर्गियां, 60 किलो आलू और 100 किलो चावल खाते हैं। बिना किसी शक के ये सबसे असामान्य परिवार है। ओ, और मेरे पास आपके लिए एक खबर है, ये परिवार दुनिया पर हावी नहीं होगा जो डिमेंटेड का परिवार होगा। नंबर 2, ये एक रूसी परिवार है जिसे पूरी तरह से जेल में होना चाहिए। ये पता चला है कि ये परिवार एक पति, पत्नी और 2 बेटियों से बना है, जिनमें से प्रत्येक ने इतने गंभीर अपराधी कृत्य किए कि कुछ देशों में वो बिजली के झटके देने लायक होंगे, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 30 लोगों का जीवन शामिल है। लड़कियों की माँ ने अनगिनत चोरियां और अपराध किए, जिनका मैं वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि सेंसिटिव यूट्यूब मुझे डिमोनेटाइज कर देगा। जबकि उनकी बेटी विक्टोरिया ने भी अपने परिवार की उपहारों का उपयोग ऐसे अपराधों को करने के लिए किया था, जिसका वर्णन ना करना ही बेहतर है। दूसरे बेटी और उसके पिता अपराध की दुनिया में उनसे भी एक कदम आगे हैं, जिन्होंने और भयानक अपराधों को अंजाम दिया था। इन सब के बावजूद ये लोग लोगों के बीच में अच्छे परिवार की तरह बिना किसी सजा के काफी लंबे समय तक जिंदा रहे। रूसी जांच पुलिस के प्रमुख व्लादिमीर मार्किन ने समझाया कि एक माँ, एक पिता और 2 बेटियों की कल्पना करिए, ये अकल्पनीय था। जबकि वो एक साथ थे तब वो अपराधों की योजना बना सकते थे। रोस्तोव के अक्साई में एक रिटायर्ड मिलिट्री मैन के घर में घुसने के बाद उनके अपराधिक करियर का खुलासा हुआ। पुलिस के अचानक सामने आने के बाद नरबर्दियावा और उसकी बेटी अनस्ताशिया ने खुद को अंदर बंद कर लिया, जबकि उसके पति और उसके दूसरे बेटी ने मोटरसाइकिल पर भागने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही दोनों को रास्ते में पकड़ लिया गया। नंबर 1, खैर चलिए अब प्रकाशित चीजों के बारे में बात करना जारी रखते हैं। ये पता चला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक महिला लेनेट गंभीर बीमार थी और उसने अपने 26 साल बेटे फिल बेली को अपने 72 साल की दादी पर्ल कार्टर को खोजने के लिए भेजा। हालांकि पर्ल और लेनेट के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। फिल के परिवार में दूसरा और कोई नहीं था, इसलिए उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। कुछ दिनों के भीतर लेनेट का निधन हो गया। फिल अपनी दादी को तलाश कर अपने घर ले आया था, जो अब उसका एकमात्र परिवार था। एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए पर्ल और उसका पोता बाहर जाने के लिए तैयार हो गए और शॉपिंग, बॉलिंग और रात के खाने के बाद उन्होंने एक रोमांटिक संबंध स्थापित करने का फैसला किया, जो ऐसे कृत्यों से भरे हुए थे जिन्हें मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। देखिए, आज दोनों 3 साल से एक साथ है और उन्होंने पोस्ट किया है कि वो एक सरोगेट मदर की तलाश में हैं, जो एक खुले दिमाग के साथ एक बच्चा पैदा करने के लिए फिल के शुक्राणु को उपयोग कर सके। इस तरह फिल ने केवल इस बच्चे का पिता और भतीजा होगा और पर्ल उस बच्चे की परदादी और माँ होगी। क्या आपको नहीं लगता कि आज के सारे ही मामला काफी इंटरेस्टिंग थे? खैर, अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि आपने इन अविश्वसनीय मामले के बारे में क्या सोचा और मुझे बताएं कि किस पोस्ट ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया। मैं तो हर एक मामले से हैरान था। निश्चित रूप से परिवारों की अपनी खूबी, उनके रीति रिवाज, परंपराएं, झगड़े और मेल मिलाप होते हैं, लेकिन इन सबसे अलग, अभूतपूर्व और यहाँ तक कि नापाक इरादों के लिए पुरस्कार पाने योग्य कुछ परिवार है। इनमें से अधिकांश समुदाय थे, एक ही रक्त के रिश्तेदारों का असामान्य संबंध था जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि आपको लगता है कि आप अपने परिवार के साथ बहुत लड़ते हैं या ये छोटा या अजीब है, तो चिंता ना करें, आपके परिवार से भी अजीब परिवार इस दुनिया में है। खैर, जैसे कि मैं हमेशा आपको अंत में बताता हूँ, आज का वीडियो ये है।
अब मुझे अब बताएं कि जितना मुझे ये वीडियो पसंद आया, क्या आपको भी ये उतना ही पसंद आया? हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूले, ताकि आपको सूचित किया जा सके जब हम एक और शानदार वीडियो अपलोड करेंगे। हम आपको हमारे स्पेशल नेटवर्क पर हमें फॉलो करने के लिए आमंत्रित करते हैं, ताकि आप हमें थोड़ा और जान सके। हम आपको अपने अन्य बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि हम हर दिन वीडियो अपलोड करते रहते हैं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये परिवार दुनिया पर हावी हो जाए। ये डिमेंटेड है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।